हेलो गाइज, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं रवा चावल और बेसन से बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए, इसके लिए मैंने चावल को अच्छे से फूलने के लिए आधे से एक घंटे के लिए डाल दिया था। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल से फूल चुका है। यहाँ मैंने आधे कटोरी के लगभग रवा लिया है, जिसे आप अच्छे से ग्राइंड कर ले। और आप इधर देख सकते हैं चावल फूला हुआ, इसका पानी निकाल ले। और चावल, आलू और कुछ मसाले मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, लहसुन और काली मिर्च लिया है। इसे डाल करके अच्छे से आप ग्राइंड कर ले। पहले रवा को ग्राइंड कर ले, उसके बाद में उसी जार में मैंने यहाँ पे इन सामग्रियों को ग्राइंड कर लिया है। फाइन पेस्ट बना ले, जिस तरह से मैं यहाँ बनाऊँगी। आलू को मैश करके इस तरह से ग्राइंडर जार में डालें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और ग्राइंड कर ले। आप देख सकते हैं इधर मैंने पैन को गर्म कर लिया है। इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग आप कढ़ाई में घी डाल करके उसे गर्म करें। उसके बाद आप इसमें कुछ मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जीरा सूखा डाला है। इस तरह से जीरा जब अच्छे से तरक जाए, तो इसमें कुछ सूखे मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग डाला है। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला है, क्योंकि तीखा चटपटा रिंग्स बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ आप चाहें तो हल्का सा गर्म मसाला, चाट मसाला 1/2 चम्मच के रेशियो से आप यहाँ पर डाल करके उसे अच्छे से भून ले। उसके बाद में 1 से 1.5 गिलास के लगभग मैंने यहाँ पे पानी डाला है। आप भी इसी तरह से स्वादानुसार 1 से 1.5 चम्मच के लगभग आप इसमें नमक ऐड कर ले और सबको अच्छे से पकाएं। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास से 1.5 गिलास के लगभग पानी ऐड करूँगी। इधर मैंने पेस्ट भी बना लिए हैं। आलू चावल का जो फाइन पेस्ट बन चुका है, इसी में आप रवा को अच्छे से मिक्स कर ले। अगर पहले डालेंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएगी, इसलिए बराबर इसे चला करके अच्छे से मिक्स करें, जिससे गुठलियाँ ना पड़े। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स किया है, उसी तरह से आप भी मिक्स करें। इसी में बेसन भी ऐड कर ले, जिससे सब सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना रहे। इधर आप देख सकते हैं ये मसाले भी पक चुके हैं। इसमें अब आप इसे डाल करके बिल्कुल गुठलियाँ हाथों से आप दबा दबा करके हटा मिक्स कर ले। इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ 1 से 1.5 चम्मच मैंने बताया नमक आप डाल दे। और आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल करके बराबर, या ध्यान रखें बराबर से आप इसे चलाते रहें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। हल्की फुल्की पड़े तो उसे आप दबाते जाएँ और इसे बराबर से मिक्स करते जाएँ। लगभग 1/2 घंटे के लगभग 15 से 20 मिनट के लगभग लग जाते हैं इसे पूरे आटे की तरह बनने में। आप देख सकते हैं अभी ये पतला दिख रहा है, थोड़ी देर में ये अपने आप गाढ़ा होने लगेगा। इसे बराबर से ध्यान से चलाते रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे गाढ़ा हो रहा है। इसी तरह से आप भी इसे अच्छे से चलाते रहे, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। फ्लेम को धीमा रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया है। इसी तरह से आप भी इसमें हल्का सा रिफाइन लगा करके ठंडा कर ले और अच्छे से इसे इस तरह से आप आटे की तरह गूँथ ले। इसे आप देख सकते हैं इधर मैंने लोइयां भी कर ली है। इसी तरह से आप लोइयां बड़ी सी कर ले, इसे चकले पे रिफाइन हल्का सा लगा करके और इसे राउंड शेप में बड़ी सी रोटियों की तरह बेल ले। ज़्यादा पतला न करे, हल्का सा मोटा रखे। और इसे आप छोटी कटोरी से या ग्लास से, धारेदार ग्लास से आप इसे सर्किल रिंग्स का आकार दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने छोटे ग्लास लिए हैं, इससे आप रिंग्स का आकार दे, या आप कोई ढक्कन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका बहुत सुंदर रिंग बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने टीम का ढक्कन लिया है। आप और दवा का ढक्कन या कोई भी चीज़ का ढक्कन लेकर के आप उससे बना सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। आप देख सकते हैं मैंने कई तरह की डिजाइनें बनाई है, कुछ चांद के तरह की डिजाइनें बनाई है, कुछ सर्किल बनाया है। आप इस तरह से रिंग्स बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। इसको 1 या 2 या जैसे आपका पैन बड़ा हो तो उसमें आप 3 या 4 डाल सकते हैं। बिल्कुल भी इसे डालने के बाद तुरंत न छेड़ें और इसे आप अच्छे से गोल्डन होने तक पकने दें। यह अपना से साइज पकड़ ले, उसके बाद में आप इसे उलट पलट करके गोल्डन होने तक इसे अच्छे से पकाए और फ्राई करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे गोल्डन कलर का हो चुके हैं। बच्चे तो इसे देखते ही खुश हो जाते हैं।
आप लोग भी इसे बनाइए, कैसा बना, क्रिस्पी टेस्टी इतना होता है। आप केचप के साथ इसे कर सकते हैं, सॉस चटनी के साथ भी, कोई मेहमान है उसे भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, इतना देखने में अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू।